मैं ऐसी चीजों में उलझना नहीं चाहता हूं। वो एक महिला है, बहन जी है, जो भाषा वो बोलती है मैं नहीं बोल सकता और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे सवाल जायज है। मेरा कहना इतना ही है कि अलवर में एक दलित कन्या पर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, अलवर में एक दलित कन्या पर बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बीएसपी के समर्थन से चल रही, दलितों के हित की बात करती हो और आप एक बहन हो, महिला हो, आपको एक दलित मेट पर बलात्कार हुआ है, इसका कोई दर्द हो तो आपको पहला काम करना चाहिए राजस्थान सरकार से इस्तीफा देकर के निकल जाना चाहिए, समर्थन विड्रॉ कर देना चाहिए। मेरी इतनी सी मांग है, उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं है। बाकी मुझ पे कोई गालियां दे, बद्दी सी बद्दी गालियां दे, गंदी सी गंदी गालियां दे, तो मेरी तरफ लोग नहीं देखते हैं, गालियां देने वालों की तरफ देखते हैं कि हमारी छवि किसी अखबार वालों ने नहीं बनाई, पीआर एजेंसी ने नहीं बनाई। हम तो मिट्टी फांकते फांकते, जमीन पर काम करते करते देश की जनता ने, प्यार ने हमें पहुंचाया है। दूसरा, मोदी कभी अपनी छवि के लिए न पैदा हुआ है, न मोदी कभी अपनी छवि के लिए जिया है और न ही मोदी अपना समय अपनी छवि के लिए बर्बाद करता है। मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे देश की छवि दुनिया भर में आन बान शान के साथ चमकती रहे, इसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। 5 साल का हमारा काम बोल रहा है, देश की जनता का विश्वास बढ़ता चला गया है, देश जिन सपनों से हमको बिठाया था उन सपनों को पूरा करने में हमने दिन रात मेहनत की है कि भारतीय जनता पार्टी की संख्या भी बढ़ेगी, एनडीए की संख्या भी बढ़ेगी। हमने अहंकार को पाला नहीं है, हमारा ये मत है, हिंदुस्तान की राजनीति ध्रुवीकरण वाली राजनीति है और एक खेमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करती है, दूसरा खेमा कांग्रेस नेतृत्व करती है। हमें सभी साथियों को साथ लेकर के ही चलना चाहिए। साथ लेकर चलने से रीजनल एस्पिरेशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं, देश की एकता को भी मजबूत कर सकते हैं।